भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चकर चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख कौ कह न सकत केहे अचल मूरत अनभौ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्व सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वरनत सुमत कोट ब्रह्मांड के दाते स्वामी असंख भगत जाचहे दर सारे जीय दान दे मोख कराए गुण अव गुण कछ नाहे बिचारे बंधन काट कीन प्रभ निर्मल मेल लियो सागर बूंदारे मोसे हीन को तार हो हे भगवंत टै पे द्वारे महिमा के तक आखिए बरनी न है जाए कोट जिहव कर पाखिया तौ पार न पाए कोट बंदना बार बार नित नित हर राए तद्यप पार न पावई लख कर्म कमाए कोट बंदना बार बार नित नित हर राय तद्यप पार न पावई लख कर्म कमाए मन तन बलिहारी दरसारी कोट कोट बंदन नमस्कारा बारंबार जाऊं लखवारी पूरन पित गुरु राम हमारा पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आँख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सभै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर
मैं ना कहियो सब तुहि बखानियो, सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहंद साहो, जिस पास बैठिया सोहिया सभना दावे साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सभना दावे साहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। राग गौड़ी मांझ महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया। सी होए भगत जिना किरपारिया। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया। सी होए भगत जिना किरपारिया। हौ वारिया हर वारिया रहाओ। सुन सुन पंथ डराओ बहुत पै हारिया। मैं तक्की ओट संताह लेह उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया। गुर निव निव लागा उपाय देहु दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक एकस बलहारिया। सब गुण किस ही नाहि हर पूर भंडारिया। मैं किए मित्र अनेक एकस बलहारिया। सब गुण किस ही नाहि हर पूर भंडारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरां दे गुरु पीरां दे पीर सरकारे कुल आलम तखत पर सुभाए मान हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र पातशाही सचखंड दरबार तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब विखे। आप सब संगतां सतगुरु दे दरबार दी अलाही घड़ियां दा आनंद माण रहे हो। अमृत वेले तो गुरबाणी दा रस पिन्ना कीर्तन गुरबाणी दे जाप आप सब संगतां ने सरवण कीते। निता प्रति नेम अनुसार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दी बख्शिश दा सदका धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी दी जो लड़ीवार विचार इस पातशाही अस्थान तो आप सब सरवण करदे हो। सतगुरु जी दी पावन बाणी दी विचार करन वास्ते ये सुभागियां घड़ियां प्राप्त होईयां हन। खालसा जी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र बाणी इस विछड़ी हुई जीव आत्मा नूं परम आत्मा तक मिलन दा रस्ता दसदी है।
साडा मंजिले मकसद की है, साडी मंजिल की है, साडा टिकाणा की है, ये सिखिया सानू सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने दसना। सो आओ बड़े ही भावना प्रेम सहित सतगुरां दे दरबार विच सजिए और शब्द की विचार नू आरंभ करिए। मेरी बेनती है बड़े ही भावना सत्कार सहित साहिबां नू सीस झुकाउंदे हुए दोनों हाथ जोड़ के प्रेम सहित उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग गौड़ी मांझ महला पंजवा। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, अज दे पावन पवित्र शब्द नू अपनी मुबारक रसना तो गौड़ी माझ राग दे अंदर उचारण करते हैं। खालसा जी, जदों भी असी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी दे दिदारे करांगे, भावें आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे सहज पाठ करिए, दसम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे पाठ करिए, श्री सर्वलोक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का अभ्यास जदों करांगे, तां एक अनुभव सब नू होवेगा कि सतगुरु जी ने जो बाणी रची है वह रागमई बाणी रची है। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर राग ने, श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर भी सतगुरु ने राग वरते, और श्री सर्वलोक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर तो सोढ़ी सुल्तान कलगीधर पिता ने 300 राग वरते। खालसा जी, 300 रागों के विच बाणी उचारण की, पर बेनती यह है कि राग वरते ही क्यों? क्योंकि खालसा जी जो संगीत है, संगीत नू परमात्मा की भाषा मन्या गया, संगीत नू परमात्मा की भाषा इस करके मन्या गया कि जदों संगीत की धुन दे उत्ते कोई शब्द गाए जाते ने, कहिंदे शब्द भावें समझ विच ना आउण पर जो संगीत दियां धुणा हुंदियां ने, संगीत की धुणा कुदरत नू भी मोहित कर लेंदियां ने, इंसान नू भी मोहित कर लेंदियां ने, जानवरां नू भी मोहित कर लेंदियां ने। संगीत दे विच एक कला है कि संगीत नू सुनन वाले जिहड़े ने उन्हां नू भावें शब्द समझ विच ना आउण पर संगीत उन्हां नू अपने वल खिंचदा, उन्हां नू टका बख्शदा। इहो कारण है कि जदों गुरु घर कीर्तन हुंदा है, आपां कई बार देखदे आं कि जिहड़े वीर जिन्हां नू गुरमुखी भाषा का ज्ञान कोई नहीं, पर जदों कीर्तन सुनदे ने उह भी झूम उठदे ने, क्योंकि बाबा नानक जी ने संगीत नू इस करके वरत्या कि संगीत रब की भाषा हर एक दे समझ विच पैंदी है। पर पुरातन काल विच संगीत की दुरवरतों शुरू हो गई, संगीत दियां धुणां दे उत्ते संसारक फिक्के शब्दां नू संगीतकारां ने वरतना शुरू कर दिता, ते गुरु की बाणी ने होका दिता, मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए, कि अपने कन्ना नू संसार दे गंदे गीत ना सुना, तेरा तन फिक्का हो जाएगा, तेरा मन फिक्का हो जाएगा। सतगुरु ने संगीत दियां धुणां दे उत्ते प्यार वाले धुर की बाणी दे शब्द टका दिते, ते सच है कि जेड़ा भी शब्द नू गुरु की बाणी नू संगीत दियां धुणां ते रख के गाउंदा, सतगुरु कहिंदे उहदी अरदास पूरी हो जांदी। गावीए सुणीए मन रखीए भाउ, जे मन विच भावना रख के कोई गावे जां कीर्तन नू गुरबाणी दे कीर्तन नू सुने ते उहदी यात्रा सफल हो जांदी। सो इस करके सतगुरु साहिब ने समुची बाणी दे अंदर संगीत नू भाव के राग नू बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिता। सो धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह गौड़ी माझ राग दे अंदर अज दे पावन पवित्र शब्द नू उचारण करदे हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द की आरंभता तो पहला उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा का मंगल करते और दसते हैं भाई कि जिस परमात्मा की बात, जिस परमात्मा नू मिलन की बात गुरु की बाणी विच पाई गई है वह एक है, एको है भाई, एको है साहिब मेरा एको है।
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह नूं पुछिया कि पातशाह परमात्मा एक किस तरह है, संसार दे उत्ते ते कितने रूप नज़र आ रहे ने, पर आप जी कहंदे हो कि हर जगह परमात्मा ही मौजूद है, इको परमात्मा ही वरत रहा। सतगुरु ने शब्द वरते एक है रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे कि ये जितने भी रूप नज़र आ रहे ने खालसा जी, ये सारे रूप उस एक अरूप दे बनाए हुए ने, उस परमात्मा दे बनाए हुए ने। भाव संसार च रूप नज़र आ रहे ने, परमात्मा अरूप है, परमात्मा दा रूप कोई नहीं, पर जितने भी रूप नज़र आ रहे ने सारे ही रूपां दे विच परमात्मा वरत रहा, अकाल पुरख वाहिगुरू वरत रहा है। सो धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ओ परमात्मा एक है, ओंकार तो भाव ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ही जन्म देंदा है, उत्पत्ति करता है, अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ही पालन पोषण करता है, अते अखीर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ही फिर समेट देंदा है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की वडियाई है, पर उस परमात्मा की प्राप्ति तद ही हुंदी है जे गुरु का सिख गुरु की बख्शिश का पात्र हो जावे। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी, सच्चे गुरु दी बख्शिश दा जदों पात्र हो जावे तां उस परमात्मा दी प्राप्ति हो जांदी है। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज बचन करदे ने भाई सिखो, जो परमात्मा एक है, दयालु कृपालू है, जन्म देंदा है, पालन पोषण करदा है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा नूं लभण वास्ते अनेकां ही तुरे, खोजत फिरे असंख कि उन्हां दी गिणती गिणी नहीं जा सकती जिन्ने के परमात्मा नूं लभण वास्ते तुरे ने, पर परमात्मा दे गुणा दा अंत कोई भी नहीं पा सकिया। संसार ते बहुत वड्डे वड्डे ऋषि मुनि तपीशर साधु संत महात्मा होए, पर परमात्मा दा अंत नहीं पा सकिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह जी ने भी अपनी पावन पवित्र बाणी श्री सर्वलोक ग्रंथ साहब जी दे विच शब्द वरते के कोट ब्रह्मांड के दाते स्वामी असंख भगत जाचे दरसारे। सतगुरु कहंदे तेनू लगदा है कि परमात्मा एक ब्रह्मांड का मालक है, नहीं, उहदे ते एक एक रोम दे विच ही करोड़ां ब्रह्मांडां दा वासा है। सतगुरु कहंदे ऐ कोट ब्रह्मांड के दाते स्वामी, करोड़ां ही ब्रह्मंडां दे दाते मालक अकाल पुरख वाहिगुरु असंख भगत जाचे दरसारे, अनेका ही लखा ही भगत तेरे दरबार दे विच खड़ के रोज अरदासां बेनतियां करदे ने कि साडे उत्ते किरपा कर, सानू अपने दीदारियां दी दात दे दे, सानू अपने दर्शनां दी दात दे दे। ते पातशाह कहंदे इतना गिद्यालू कृपालू है कि जी दान दे मोख कराए, गुण अवगन कछ नाहे बिचारे, अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा जीव नू मोक्ष दी प्राप्ति करा देंदा नाम दी दात दे के, बंदगी दी दात दे के। ते सब तो वड्डी गल इह है कि बंदा रोज कितने ही औगण करदा, कितने ही गुनाह करदा, पर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा एक भी गुनाह नहीं तकदा। परमात्मा सारे गुनाह माफ कर देंदा, पर गुनाह माफ उदों करदा जदों बंदा नमाणा हो के आ जावे, जदों निम्रता विच आ जावे, क्योंकि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह खुद खुदा ने, महाराज सृष्टि दे मालक ने, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी जदों परमात्मा अगे अरजोई की ते महाराज ने शब्द वरते हे भगवंत मोसे दीन हीन को तारो, हे भगवंत मैं तेरे दर दा निक्का जिहा कीट हाँ, मोसे दीन हीन को तारो, हे भगवंत ढह पए द्वारे। कलगीधर पातशाह कहंदे परमात्मा मैं तेरे द्वार दे उत्ते तेरे दर दे उत्ते ढह चुकिया, बस जे गुरु के सिख नूं गुरु के दरबार ते ढहना आ जावे, गुरु के चरणा नूं गलवकड़ी पौनी आ जावे, ते प्यार वालिओ कलगीधर पातशाह दयालु कृपालू उहदे अवगुणा नूं नहीं चितार दे, बल्कि उहदे गुनाहां नूं माफ करके उसनूं पातशाहियां दीआं दातां दे देंदे ने।
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह बना देंगे ने। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू एक वरे प्यार वाले गुरु क्या सिखा ने पुछया कि सतगुरु जी वो अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा कितना के दयालु कृपालू है, वो जीव दे उत्ते कृपा किस तरह करता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने शब्द वरते, तुई राज रोजी दे हो दस्तगीर, करी में खता बख्श दानस पजीर। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे वो अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा संसार दे बंदे नू जीण दे वास्ते सुवास बख्शदा, छकण दे वास्ते भोजन बख्शदा, रोजी देंदा है, रिजक देंदा है, और इतना दयालु कृपालू है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा करीमे खता बख्श दानस पजीर के परमात्मा बंदे दे गुण अवगुण नहीं चितारदा, इहदे कीते हुए गुनाहां नू मुआफ कर देंदा ते जिथे दियां भुल्लां बख्श देंदा, इहदे गुनाहां नू मुआफ कर देंदा। वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने प्यारे दी बाह पकड़ के इनू भवसागर पार करा देंदा, इह संसार रूपी दलदल तो बचा देंदा। पर वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की यह दयालता है कि जेडे उस नू जपदे ने प्यार वालियो उहदे विच समा ते जांदे ने, पर उहदा अंत कोई नहीं पा सकता। बड़े बड़े मुन देव ते कई युग तिनी तन ताया, किनी तेरा अंत ना पाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे वड्डे वड्डे ऋषि मुनि आए पर अकाल पुरख वाहिगुरु का अंत कोई नहीं पा सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी बाणी दे विच उस परमात्मा की विशालता दसी, उहदे गुणा बारे दसिया। मेरे जिहा तुच्छ प्राणी जपजी साहब का पाठ करके सोचता कि शायद मैं गुरु की वडियाई करके संपूर्ण वडियाई का भोग पा लिया, शायद मैं इबादत कर ली, बंदगी कर ली। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जदों मैं परमात्मा की वडियाई करन जाना ते कहंदे मैनू अनुभव हुंदा महिमा के तकाखी है बरनी न है जाए, कोट जेहव कर पाखी है तऊ पार ना पाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे कि ऐ पातशाह हे अकाल पुरख वाहिगुरु जदों मैं तेरी महिमा बयान करदा एक बार अंतर ध्यान हो के सोचदा कि मैं तेरी केड़ी केड़ी महिमा बयान करा। तेरी महिमा बयान करनी इस एक जुबान की समर्था नहीं, एहो जिहियां करोड़ां जुबाना भी होण तद भी अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा तेरी वडियाई का अंत नहीं पाया जा सकता। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, क्या हों कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथना जाई, जो तुद भावै सोई आखा तिल तेरी वडियाई। सतगुरु ने यह जो शब्द वरते ना खालसा जी केवल ते केवल संसार दे जीव नू समझाउण वास्ते वरते, क्योंकि बंदे नू किते ना किते अपनी हस्ती ते माण हो जांदा कि शायद मेरी कोई हस्ती है। बंदा अपने आप नू परमात्मा तो परमात्मा दे दर तो वड्डा समझ पैंदा, पर सतगुरु कहंदे इस परमात्मा दे दर दे उत्ते ते लखां ही देवी देवते ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आ करके अरदासां करके पणियां झोलियां भरौंदे ने। तू किस हस्ती दा मालक है, तू भी नमाणा होके परमात्मा दे दर ते आ, क्योंकि इत्थे ते कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत। प्यार वालियो सानू लगदा कि जदों असी कलगीधर पातशाह दे दरबार विच आउंदे आ केवल साडे शरीर ही नमस्कार कर रहे हुंदे ने, नहीं इत्थे गुप्त रूहां भी बहुत ने। सतगुरु कहंदे ऐसियां गुप्त रूहां ने कि त्रिभवन महीप सुर नर असुर तिन्ने लोकां दे राजे महाराजे देवी देवते ऋषि मुनि वह भी आ करके गुरु के दरबार दे विच लखां वार नमस्कारां करदे ने। इस करके तू अपने मन दे विच इह वेख कि अकाल पुरख वाहिगुरु कितना बेअंत है कि सारी दुनिया उहदा जस गा रही है, उहदी वडियाई कर रही है, पर उहदी वडियाई का कोई अंत नहीं पा सकता।
ਸੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਭਗਤ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੀ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਪਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਢੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਵਾਰਿਆ ਹਰ ਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਉ ਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾੜ ਲਡਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲਡਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਪੰਥ ਡਰਾਉ ਬਹੁਤ ਭੈ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗਲਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਨ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਊਟ ਸੰਤਾਹ ਲੇਹ ਉਬਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਓਟ ਸੰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀ ਜਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ
कहिंदे एक सतपुरश दे एक संत दे एक गुरसिख दे जे मैं चरण भी फड़ लवां ते ओह भी थोड़े ने। बकौ सुबरसना कहिंदे एक सतपुरश एक गुरसिख वास्ते मैं चंगे बोल बोल दवां ओह भी थोड़े ने। महाराज कहिंदे दीजह प्राण कोर एक बंदगी वाले वास्ते एक कमाई वाले गुरसिख वास्ते जे मैं अपनी जीवन भी दान दे दवां अपनी जिंदगी भी उहदे लेखे ला दवां ते सतगुरु कहिंदे अपनी दित्ती हुई जिंदगी भी थोड़ी पै जाएगी पर एक रब दे प्यारे दी वडियाई वह बयान नहीं की जा सकती क्योंकि उसने जपया है ते जपन वाले विच ताकत है कि वह आए हुए मनमुख नूं भी गुरमुख बना दिंदा। खालसा जी भाई अदलिया जी रोजाना दरिया के किनारे ते बैठ के जपदे सन ताई करके जदों भाई विधि चंद जी भी चोरी करके आ रहे सन कुछ पल की संगत ने भाई अदलिया जी की संगत ने भाई विधि चंद नूं भी गुरु का सीना बना दिता। भाव गुरु हरजन देव महाराज गुरु हरगोबिंद साहब के घर दे नाल जोड़ दिता एक गुरसिख की संगत ने। सो कहण तो भाव कि रब दे प्यारियां दी संगत रब दे घर नाल जोड़दी है बंदगी करन दी जाच सिखाउंदी है सेवा सिमरन करन दी जाच सिखाउंदी है। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज वचन करते ने कि जदों मैं संतां दी संगत विच गया ये सोझी होई कि मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया कि वह अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा वो उपमा उसकी बयान नहीं की जा सकती क्योंकि संसार ते जितने भी जीव ने जितने भी इंसान ने संसार दे इंसान ही नहीं बल्कि संसार ते जो बनस्पति है जो हवा है जो वायुमंडल है इस समुचे ब्रह्मांड नूं उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा दे चरणा दा आसरा है। ये परमात्मा दे चरणा दे आसरे ते धरती टिकी हुई है परमात्मा दे आसरे ते धरती चल रही है सूरज उदय हो रहा है अस्त हो रहा है चंद्रमा प्रकाशमान हो रहा है। इस करके जाप साहिब दे विच सतगुरु ने कहा नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु लोग सूरज नूं नमस्कार करते आ पर मैं सूरज नूं बनाउण वाले तेनू नमस्कार करदा क्योंकि यह सूरज भी तेरे आसरे दे उत्ते ही उदय हुंदा यह सूरज भी तेरे आसरे दे उत्ते ही अस्त हुंदा यह चंद्रमा भी तेरे आसरे दे उत्ते तेरे हुक्मां अनुसार ही प्रकाशमान हो रहा है। सो सतगुरु कहिंदे मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया संसार दे उत्ते हर एक जीव दी जे किसे दा आसरा है ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे चरणा दा आसरा है। गुर निव निव लागौ पाए देहु दिखारिया और जे उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे चरणा नूं तकना होवे उस परमात्मा दे प्यारे दे दीदारे करने होण ते सतगुरु कहिंदे एक उपाव है गुर निव निव लागौ पाए कहिंदे गुरु दरबार दे विच जा करके हर एक दे चरणी पै भाव अपनी हस्ती मिटा दे अपने अंदरों होमे दा कंडा पुट दे तू अपने अंदर ये भावना जगा कि आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो भाव गुरु के दरबार विच नीवा होके नमाणा हो करके अरदास कर ते तेनू सतगुरु दे दीदारे होणगे। प्यार वालियो जेड़ा गुरु के दरबार विच आके गुरु के चरणा नूं गलवकड़ी पा करके गुरु घर सेवा कर लवे बर्तन मांज लवे गुरु घर दे सच है जेड़ा बाणी पढ़दा पढ़दा गुरु घर दे थाल मांज लवे उहदा मन भी एक दिन मांजिया जांदा। जदों आनंदपुर साहब की धरती ते भाई दीपा जी अपनी माता दे नाल गए सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस निक्के जिहे बच्चे नूं पुछिया तेरा नाम की है उसने कहा मेरा नाम दीपा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी दीपिया गुरु नानक दे घर दे बर्तन मांजिया कर तेरे हिरदे दे विच नाम दा दीप जगेगा ते सच है खालसा जी भाई दीपे ने उत्थे सेवा की आनंदपुर साहब की धरती ते
जिदन हिरदे विच नाम दा दीप जागया ते ओ धन धन बाबा दीप सिंह निहंग सिंह बन गए। सतगुरु ने अपना रूप बख्श दिता। इतिहास दे बोल ने कि भाई दीपा जी भाव धन बाबा दीप सिंह जी गुरु घर विच बर्तन मांज रहे सन, बाटा मांज रहे सन। किसी ने सुभावक पूछया, सवेर दा लगा इस बर्तन नू मांजी जा रहा, यह बर्तन चमक चुकिया है, इस नू छड़ दे। कहण लगे भांडा मांजिया गया, बर्तन मांजिया गया, बर्तन भावें चमक गया पर मेरा मन हजे नहीं चमकिया। मैं उदों तक सेवा नहीं छड़ांगा जदों तक मेरा मन नहीं चमक जाता। प्यार वाले जिन्हां नू भी प्राप्तियां होईयां वह गुरु के दरबार दे विच नीवे हो करके अपने मन नू मांज दे रहे, क्योंकि सतगुरु के मुखवाक ने भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध है को जावो, दूध करम फुन सुरत समावन होए नरास जमावो। जेडे हिरदा रूपी भांडा मांज लेंदे उन्हां दे हिरदे दे विच नाम दा दीवा जग जांदा, ते जदों नाम दा दीवा जग जावे ते सच है हजूर दे दीदारे हो जांदे, हजूर दी कृपा हो जांदी, हजूर दी बख्शिश हो जांदी है। मैं किए मित्र अनेक एकस बलहारिया। सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज सच्चे पातशाह भावें संबोधन अपने आप नू करदे ने, पर प्यार वालिओ सतगुरु सिखिया सानू दे रहे ने। यह गुरु नानक साहब दे दर दी विलखणता है कि गुरु नानक साहब दसे पातशाहियां खुद खुदा ने, पर फिर भी सतगुरु अपने आप नू संबोधन करदे ने। यह गुरु नानक दे घर दी निमरता है, क्योंकि भाई गुरदास जी का कथन है कि बाबा पहिंदा सच खंड नौ निद नाम गरीबी पाई, कि बाबा नानक जी ने सच खंड तो लिया करके कनमोल दात सिखां नू दित्ती है गरीबी दी, निमरता दी, नमाणेपण दी। खालसा जी, कई बार बंदा अपनी हस्ती ते माण करदा है, पर जदों असी गुरु नानक साहब की हस्ती वल तकदे आ, जपजी साहब जी दे दर्शन करदे आ, ते सानू अनुभव हुंदा जिथे पौड़ी आउंदी है असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ। इस पौड़ी दे विच गुरु नानक साहब ने नाम दा, नाम नू जपण दा, ते नाम नू जपण वालियां दा जिक्र किता। बलिहारे जाइए गुरु नानक साहब तो, जिस पौड़ी दे विच गुरु नानक साहब ने नाम नू जपण दा ते जपण वालियां दा जिक्र किता, उस पौड़ी विच गुरु नानक साहब ने किते भी अपना नाम नहीं वरत्या। गुरु नानक साहब ने इस पौड़ी च अपना नाम नहीं वरत्या, पर इस तो अगली पौड़ी जदों आपां पढ़दे आं, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, जिस पौड़ी दे विच सतगुरु ने अत पापियां दा, नीचां दा, मूर्खां दा जिक्र किया, उस पौड़ी विच गुरु नानक साहब ने अपना नाम वरत्या। यह है बाबा पहिंदा सच खंड नौ निद नाम गरीबी पाई। तो प्यारियो, जदों नाम भी वरत्या, गुरु नानक साहब ने कहा नानक नीच कहे विचार। वारे जाइए धन गुरु नानक साहब तो, खुद खुदा ने पर फिर भी अपने आप नू नीच कह दिता, पर उन्होंने सानू समझाया कि भाई गुरुमुखा तू गुरु दे दर ते सदा नीवा होके आई, कीट बन के आई, नीच बन के आई, क्योंकि इस दरबार दे विच जड़ा नीच बन के, कीट बन के, नमाणा होके आ जावे, ये गुरु दरबार की वडियाई है कि नमाणा होके जड़ा आ जावे उन्हूं उच्चा करके तोर दिंदा। ये गुरु कलगीधर पातशाह का दरबार इस कला का मालक है, जड़ा नीवा होके ढह पवे उसनू ये दरबार बहुत उच्चा करके तोरदा। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, इस दरबार च कदे बेनियाई नहीं हुंदी। ये कलगीधर पातशाह जी दे दरबार की वडियाई है। सतगुरु गुरु अर्जन दे महाराज संबोधन अपने आप नू करदे पर समझा रहे ने कि संसार दा बंदा बहुत मित्र बना लैंदा संसार ते, बहुत रिश्ते बना लैंदा संसार ते, कईयां नाल प्रेम पा लैंदा, मुहब्बत कर लैंदा, पर सतगुरु कहिंदे मैं किए मित्र अनेका, मैं भी बहुत मित्र बनाए, पर एक गल सच जाणियो, जिहड़ी भावना मेरी परमात्मा वास्ते है वह किसी होर वास्ते नहीं, जिहड़ी भावना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह रब वास्ते, खुदा वास्ते रखते ने, वह किसी होर वास्ते नहीं रखते। कितना अनमोल बचन है। प्यार वालियो,
यही भावना गुरु के सिख दे हिरदे दी होवे कि जितना मर्जी सत्कार किसी नूं दवे पर जिहड़ी भावना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लई है वह किसी होर लई ना होवे। जो समर्पण भाव धन गुरु गोबिंद सिंह जी प्रति गुरु के खालसे का है वह किसी होर प्रति ना होवे। ये गुरु नूं ही अपना मुरशद समझे, ये गुरु नूं ही अपना पीर समझे, ये गुरु नूं ही अपना माई बाप समझे। क्योंकि जे गुरु नूं माई बाप समझेगा तो जह मात पिता सुतमीत ना भाई मनूहा नाम तेरा संघ सहाई। जिथे कोई भी नहीं खड़ेगा सच जाण्यो उत्थे कलगियां वाला पातशाह आके जरूर खड़ेगा, उत्थे कलगियां वाले पातशाह आके थापड़ा जरूर देणगे। सब गुण किस ही नाह हरपूर भंडारिया। क्योंकि संसार दे विच जितने भी जीव जंतु ने किसे विच भी संपूर्ण गुण नहीं, हर एक बंदे दे विच कोई ना कोई औगण जरूर है। पर एक काल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ऐसा जिदे विच औगण कोई नहीं, गुणा दे ही खजाने ने। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा विच एक भी औगण नहीं, पर संसार विच जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मेरे कलगियां वाले पातशाह दे विच औगण नहीं, बल्कि कलगी धर पातशाह जी दी ते जिस औगणा दे नाल भरे हुए बंदे ते मेहर हो जावे पातशाह ते उन्हूं भी गुणा दा खजाना बना देंदे ने। सो सतगुरु कहिंदे सब गुण किस ही नाहे, संसार विच किसे विच भी सारे गुण मौजूद नहीं, पर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे विच हर एक गुण है। परमात्मा गुणा दा खजाना है। चौहो दिस जपिय नाव सुख सवारिया। सतगुरु कहिंदे इस करके उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दा नाम हर पल जपना करिए ता ही हिरदे दे विच सुख दा वासा हुंदा है। मैं आही ओड़ तुहार नानक बलहारिया। पर नाम भी केवल लोकां नूं वखाउण वास्ते ना जपे, वखावे वास्ते ना जपे। हर जियो नाम परियो रामदास, हर हर गुर गुर करता रे हर आराध ना जाना रे। कहिंदे नाम इस तरह जपे कि जदों वाहेगुरु गुरु मंत्र रसना ते आवे ते मन दे विच भावना बना लवे आ कलगी धर पातशाह मैं अज तेरे दर ते आ चुकिया, अज तेरे दर ते मैं अपना मत्था टेकिया, हुण भावें मेरे प्राण चले जाण पर मैं तेरे दर तों कदे अपना मत्था चक्कांगा नहीं। भाव तेरा दर छड के मैं किसे होर दे दर वाल नहीं तकांगा। धर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आईऐ कार जावै रास। सतगुरु कहिंदे जदों बंदा एक दी टेक टका के नाम जपदा इहदे सारे कारज रास हो जांदे। प्यारिओ अज बंदा सुखां दी प्राप्ती वास्ते दौड़िया फिरदा, सुख मिल जाण खुशियां मिल जाण। सतगुरु कहिंदे तू एक गुरु दी टेक टका, शब्द दी टेक टका, वाहिगुरु गुरमंत्र दा सिमरन कर ते सच जाणी बिना मंगिया ही तेरिया अरदासां पूरियां हो जाणगियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर पातशाह ने श्री सरबलोक ग्रंथ साहब जी दी बाणी दे विच वचन किते कि जे बंदा नाम नूं जपे ना कहिंदे नूं अरदास करन दी लोड़ भी नहीं पवेगी, अरदास अपने आप ही पूरी हो जाएगी। आहत हरन जम त्रास निवारन नाम लेत भव सिंध तरे। कलगी धर पातशाह कहिंदे गुरु क्या सिखा, वाहिगुरु गुरमंत्र नूं रसना ते टका के ता वेख तेरी अरदास ओ भी पूरी हो जाएगी जेड़ी तू कदे मंगी भी नहीं होवेगी। क्योंकि बंदे नूं नहीं पता किस नूं की चाहिदा, पर गुरु नूं पता मेरे सिख नूं इस वक्त की चाहिदा। जो बंदे ने कदे सोचिया भी ना होवे गुरु के दरबार विच्चों प्यार वाले ओ झोली विच ओ भी पै जांदा। सो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने कि उस दे नाम नूं जपिया कर ते हिरदे विच सुख दा वासा होवेगा, कारज रास होणगे। पर इस तरह जपी कि मैं आही ओड़ तिहारी कि मैं तेरे शरणी आया, सारे दर छड के सगल द्वार को छाड कै गहे ओ तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। पातशाह मैं तेरे दर ते आया हुण किरपा करके मेरी पत रख लै। इस तरह जपया करी।
गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया। सतगुरु कहिंदे जदो बंदा अपना आप समर्पित करके गुरु नू अपना आप वेच के जपना शुरू कर दवे फिर कलगी धर पातशाह अपनी बाह दे नाल रखिया कर दे गुरु के सिख दी ते मोह दी दल दल तो बार कर देंदे संसार रूपी भवसागर तो पार करा देंदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जीवन विच जे मुसीबत आ भी जावे जे गुरु का सिख धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पला ना छड़े तो खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुसीबतां भी खत्म कर देंदे मुसीबतां साड़ के सुवाह कर देंदे पर जे गुरु का सिख अपनी बाँह गुरु नूं पकड़ा दे। प्यारिओ गुरु नूं बाँह पकड़ाउणा की है गुरु का सिख जपजी साहब दा जाप साहब दा तो प्रसाद सवैये कबियो बाच बेनती चौपई साहब आनंद साहब दा पाठ भाव नितनेम ना छड़े ते गुरु साहब अपने सिख दी बाँह नहीं छड़ दे। सतगुरु सच्चे पातशाह अपने सिख दी सिख नूं कदे भी इस संसार रूपी भवसागर विच कला नहीं छड़ दे जे गुरु का सिख नितनेम दा पला ना छड़े। ये सच्ची गल है प्यारिओ कि जे जीवन विच कदे कोई परेशानी बन जावे कोई उपावना मिले अनुभव करके वेखियो अपने हथी कड़ा प्रसाद बना के गुरु दरबार विच आके जपजी साहिब जाप साहिब अकाल उस्तत दा पाठ करके जां चौपई साहिब दा पाठ करके अरदास कर लियो सच है अकाल उस्तत दा पाठ संपूर्ण होने तो पहला पहला तुहाडी अरदास सुनी जाएगी। एक कलगीधर पातशाह जी की बाणी का प्रताप है पर जे सानू अपना आप समर्पित करके गुरु नू बाँह पकड़ावांगे ताई प्यार वाले गुरु के घर की कला वरतेगी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह अपनी रहमत वरतौणगे। सतगुरु कहिंदे जदों मैं गुरु नू बाँह पकड़ाई गुरु ने गुर काढ़ियो भुजा पसार सतगुरु ने कृपा की अपनिया बाहवां दे जोर दे नाल मैनू मोह रूपी दल दल तो बाहर कर दिता। मैं जीतियो जन्म अपार बहर ना हारिया। और जदों गुरु ने भवसागर पार कराया जेड़ी जन्म दी बाजी नू संसार ते हर एक बंदा हार के जा रहा गुरु दी बख्शिश दे नाल मैं जन्म दी बाजी जित के गया। जितते कौन ने तेरे नाए रत्ते से जिण गए हार गए से ठगण वाले आ जेडे नाम दे विच रंगे जांदे ने जेडे कलगीधर पातशाह दे प्रेम दे विच भिज जांदे ने प्यार वालियो ओ जिंदगी दी बाजी जित के जांदे ने। ओ भावें मर भी जाण पर ओ मर के भी नहीं मरदे अमर हो जांदे ने। धन धन बाबा दीप सिंह जी नाम दे विच रंगे गए खालसा जी उन्होंने जिंदगी दी बाजी जित ली। धन धन बाबा मनी सिंह जी नाम दे विच रंगे गए उन्होंने जिंदगी दी बाजी जित ली। अकाली बाबा फूला सिंह जी अकाली बाबा हनुमान सिंह जी साढ़े पूर्वज जिन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी बाणी नू मन विच वसाया वो बाणी दे प्रेम दे रंग विच रंगे गए वो जिंदगी दी बाजी भी जित के चले गए। उन्हां दे अंदरों भय खत्म हो गया डर खत्म हो गया। अज असी घर तो बाहर निकलते हाँ सानू बीमारी का भय सानू मुसीबतों का भय पर जरा तको कि सिंह साहिब अकाली बाबा फूला सिंह जी निहंग सिंह जिन्होंने कलगीधर जी की बाणी नू मन विच वसाया इतनी फौज का मालक शेरे पंजाब उसने कहा अकाली जी फौजा नहीं हथियार नहीं जंग किस तरह करोगे दरिया के पारले बन्ने मौत खड़ी है मौत इंतजार कर रही है। ते अकाली बाबा फूला सिंह जी ने बचन कहे कहणिया तेनू माण तेरिया फौजा ते पर अज गुरु का अकाली निहंग शहीदियां दे जाम पी के जाऊगा पाव जिंदगी दी बाजी जित गए वह मरे नहीं वह अमर हो गए क्योंकि उन्हां दे हिरदे नू नाम का रंग चढ़ चुकिया सी उन्होंने गुरु नू अपनी बाँह पकड़ा दिती सी। इसे करके अज उन्हां शहीदां दे शस्त्रां दे भी जदों दर्शन करदे आ खालसा जी ते रोम रोम खड़ा हो जांदा जदों संध्या वेले तखत साहब दे उपर अकाली बाबा फूला सिंह साहब जी दे जां पूर्वजां दे शहीदां सिंघां दे शस्त्रां दे दर्शन कराउंदे
ते मन दे विच वीर रस क्यों आउंदा, रोम रोम खड़ा क्यों हुंदा, क्योंकि इन्हां शस्त्रां दे विच ओह शहीदां सिंघां दा वास हुंदा। इन्हां शस्त्रां विच अज भी ओह शहीद सिंघ वरतदे, पर ओह वरतदे तां ने कि गुरु ने किरपा करके उन्हां नूं संसार रूपी भवसागर तों पार कराया, ते ओह अपनी जन्म दी बाजी जित के चढ़दी कला दे नाल गुरु की गोद विच जा बैठे। मैं पायो सर्ब निधान अकथ कथारिया। सतगुरु कहिंदे जदों जन्म दी बाजी जित लई, परमात्मा दी प्राप्ति हो गई, ते सतगुरु कहिंदे मैं पायो सर्ब निधान, उस परमात्मा दी प्राप्ति तो बाद उस ऐसी बख्शिश दे मालक होए अकथ कथारिया, जिस दी कथा नूं बयान नहीं किया जा सकता। भाव नाम रस प्यारे, ऐसा रस है जिस बारे कोई भी दस नहीं सकता। जिन हर पायो तिने छुपायो, जेड़ा भी गुरु नूं प्राप्त हो जावे, नाम रस दी प्राप्ति कर लवे, खालसा जी वह कदे भी दस नहीं सकता, वह बयान नहीं कर सकता उस आनंद नूं। वह केवल इतना ही कह सकता, भाई तुसी भी जपया करो। संत बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले महापुरख जिन्हां ने इसे हजूर साहब की धरती ते तप किया, सिमरन किया, कलगीधर पातशाह दे दिदारे किते, संगत दे विच एक वार प्रिंसीपल तेजा सिंह ने बचन कहे कि बाबा अतर सिंह आप सब संगतां नूं नियाम नाम की व्याख्या करके दसणगे, नाम बारे दसणगे। बाबा अतर सिंह जी संगत दे सनमुख होए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कार कीती, नेत्र बंद किते, नेत्रां दे विच वैराग आ गया। कुछ समय बाद नेत्र खोले, संगत वल वेख के कहण लगे, संगत जी नाम दसण दा विशा नहीं, नाम जपण दा विशा है, नाम बोलण दा विशा नहीं, नाम जपण दा विशा है। बस रब दा प्यारा यही दस सकदा कि भाई नाम जपण दा विशा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे जदों मैं सर्व निधान दी प्राप्ति होई, ऐसा आनंद जीवन विच आया अकथ कथारिया, जिहड़ा बयान नहीं किया जा सकता। हर दरगह सुभावंत बाह लुडारिया। और कहिंदे जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ना, हर दरगह सुभावंत, कहिंदे रब दे प्यारे रब दी दरगाह विच सोभा खटदे ने, माण खटदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पुछिया, कलगीधर पातशाह जिहड़े आप दे प्यारे ने, ओ तुहाडे दरबार दे विच उन्हां नूं किन्नी के वडियाई मिलदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी बाणी दे विच दर्ज करदे, कहिंदे सिखो वडियाई ऐसी मिलदी है कि कथत ना जात दास जस मोपे, रसना इति ना जात उचारो। सतगुरु कहिंदे रब दी दरगाह विच रब दे प्यारियां नूं इन्ना माण मिलदा कि रब दे प्यारियां दी महिमा मैं भी नहीं दस सकदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे इतना माण मिलदा रब दे प्यारियां नूं कि मैं भी अपनी रसना द्वारा रब दे प्यारियां दा, रब दे प्यारियां दी वडियाई नूं बयान नहीं कर सकदा। भाव रब दी बख्शिश है कि जिहड़ा रब दा प्यारा हो जावे, रब नूं मिल पवे प्यार वाले, ओह खेड़े दे विच चाह दे विच अपने प्यारे दे दर दे उत्ते घूमदा। बाह लुडारिया, बाह लुडारिया तो भाव जिवें कोई बच्चा बहुत खुश होवे ना, ते ओह अपने घर दे विच माता पिता दे घर दे विच बाहां खलार खलार के चलदा, ओह कहिंदा इह मेरे पिता दा घर है, इह मेरी माता दा घर है। कहिंदे इसे तरह जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ना, जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह दे प्यारे हुंदे ने, कहिंदे ओह भी अपने कलगीधर दे दरबार विच इस तरह बाहां खलार भाव चा दे नाल खेड़े दे नाल विचरदे ने। आपां तकदे आ ना प्यारिओ कि गुरु कीआं लाड़लियां फौजां, गुरु के निहंग सिंह जां सचखंड श्री हजूर साहब विखे जिहड़ियां हजूरी फौजां ने, वह जदों तखत साहब विखे विचरदियां ने, तो उन्हां दे चेहरे दे उत्ते करौणक हुंदी है, हत्थां विच शस्त्र हुंदे ने, वह बड़े खेड़े दे नाल तखत साहब दे उत्ते घूमदे ने। क्यों? जदों उन्हां नूं पुछिया जावे कि फौजो इतने खेड़े दे नाल इतने चा दे नाल तखत साहब ते क्यों घूमदे हो, तो वह कहणगे क्योंकि इह साडे पिता कलगीधर दा दरबार है, इह साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह दा तखत है।
बस जेड़े गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने पिता मन लैण उह फिर अपने कलगीधर पातशाह दे दरबार विच इस तरह सोभा खटदे ते नाले प्यार वाली उह चा दे नाल खेड़े दे नाल अपने रब दे अपने गुरु दे दरबार विच विचरदे हन। जन नानक लद्धा रतन अमूल अपारिया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जे अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा का जड़ा नाम रूपी रतन है ये जे मिल पवे ये अनमोल दात है। गुर सेवा पौजल तरिया कहों पुकारिया। पर कहिंदे ये नाम रूपी रतन ये अमोलक दात मिलती है गुर सेवा पौजल तरिया गुरु की सेवा दे विचों मिलती है। उस तरह नाम की दात मिल नहीं सकती क्योंकि प्यारियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बचन ने कि गुरु क्या सिखा जे तू नाम नू हिरदे विच वसाउणा चाहुंदा फिर एक कम कर बंदना बंदन नित प्रभ कहो चरण कवल प्रभ बंदना आराधना आराधन हर जस एह दान गुरु ते मंगना रंगना रंगन इस मन कहो नाम हरी कै रंगना। कलगीधर जी ने कहा जदों तू हजूर साहब की धरती ते आवे सतगुरु नू नमस्कार करके सतगुरु कोलों अरदास करके एक दात मंगी नाम नू जपण दी दात मंगी कि मैं तेरे नाम नू जप सकां ते फिर इस धरती ते रह करके अपने ना अपने हिरदे नू अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़ लवी। प्यारियो इस धरती ते जेड़ा भी आया जिसने भी नमस्कार कीती उसने अपने मन नू हरी दे नाम दा रंग चाड़िया। रंगना रंगन इस मन को नाम हरी कै रंगना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर जी नू बेनती की पातशाह मन नू हरी दे नाम दा रंग किवें चढ़ेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचन किते इको ही रस्ता है इको ही जरिया है सेवना सेवन पद कंजन सब ते उत्तम चंगना। गुरु क्या सिखा नाम दा रंग ताई चढ़ सकदा नाम दी दात ताई मिल सकदी जे तू सारियां तो उच्चा सारियां तो सुच्चा कार्ज करें गुरु की सेवा करें गुरु घर आके सेवा करें क्योंकि जदों तू गुरु घर सेवा करेगा ते तेरे हिरदे दे विच नाम दी दात वस जावेगी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज भी यह वचन करते ने भाई नाम दा रतन ये अमोलक दात ताई मिलती है जे गुरु की सेवा होवे ते गुरु की सेवा की बरकत दे नाल नाम की बरकत दे नाल संसार दा जीव संसार रूपी भवसागर तर जांदा भवसागर तो पार हो जाता। सो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह की बख्शिश का सदका अज दे शब्द की विचार संपूर्ण हुंदी है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शब्द के माध्यम राही जो सिक्ख्या दिती है वह असी सारे ही कमा सकीए जीवन विच लागू कर सकीए सतगुरु के चरणों में अरदास करिए विचार करद्या अनेक भुला हुई आप सब संगतां ने बख्श देना सहे शहनशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का रोम रोम करके धन्यवाद जिन्हें आप सब संगतां दे सनमुख हाजरी भरन वास्ते घड़ियां बख्शियां कल भी सतगुरु कृपा करके इस तरह हाजरी भरवाउण। आओ अखीरलियां पंक्तियां सरवण करके सतगुरु के चरणों में खिमा दे जाचक होइए जी। जन नानक लद्धा रतन अमोल अपारिया। गुर सेवा पौजल तरिया कहो पुकारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक।
हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार। हे संतह के सदा संग निदारा आधार। हे ठाकुर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो परे पार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। कथा निता प्रत होत है सुनो सुसिंग सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा हो कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करत कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के जयकार अग जावे सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबर अकाल देग तेग फतह। गुरु पंथ खालसे दे चढ़ दे कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।